फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना चाहता है, हम इस वीडियो में डिटेल इस वीडियो पर आपके लिए दे दूंगा। इसका एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट है 27 अक्टूबर 2020 और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट 27। इसका बैंक चलान में एप्लीकेशन फिल करने का लास्ट डेट है 29 अक्टूबर 2020। इसका एग्जाम डेट अनाउंस करना है 3rd week of November। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कैसे अप्लाई करना चाहता है। पहला बार इस वीडियो में न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन इसका लिंक में सेलेक्ट करना है और इसमें कैंडिडेट्स का पर्सनल डिटेल्स हम इसमें दे दूंगा। एप्लीकेशन फुल फॉर्म फुल नेम में आपका नाम टाइप करना चाहता है और इसमें आपका फादर का नाम यहाँ टाइप करना चाहता है और इसके आपका मदर का नाम यहाँ टाइप करना चाहता है और इसके में आपका मोबाइल नंबर दोबारा फिल करना चाहता है। आपका 10-digit मोबाइल नंबर इसमें टाइप करना चाहता है। दो बार इसमें आपका मोबाइल नंबर सही के लिए टाइप करना चाहता है और इसमें अल्टरनेटिव नंबर मोबाइल नंबर आपके लिए आप यहाँ टाइप करना चाहते हैं। इसमें आपका ईमेल आईडी सही करना चाहता है और इसमें दोबारा आपका ईमेल आईडी यहाँ टाइप करना चाहता है। इसमें आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ टाइप करना चाहता है और इसमें आपका सिक्योरिटी कोड में आप टाइप कर सकते हैं और इसके बाद आप रजिस्टर बटन के टच करेंगे। इस लिंक में आप ओके क्लिक कर सकते हैं और इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म विल बी कंप्लीट हो गया और इसमें आपका पर्सनल डिटेल दे दूंगा और इसके बाद आप गो टू द एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करना चाहते हैं। इसके बाद आपका नोट में गिवन तो आप इस पर क्लोज करना चाहते हैं। इसमें आपका फुल पर्सनल डिटेल इसमें दिया है, आपका जेंडर भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं और आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ टाइप कर सकते हैं, आप एडजस्ट कर सकते हैं आपका करेक्ट डेट ऑफ बर्थ यहाँ टाइप कर सकते हैं और इसमें आपका मैरिटल स्टेटस यहाँ टाइप कर सकते हैं और इसमें आपका आधार नंबर यहाँ टाइप कर सकते हैं और इसमें आपका स्टेट यहाँ क्लिक कर सकते हैं। आप उत्तर प्रदेश स्टेट में है और उत्तर प्रदेश क्लिक कर सकते हैं और अदर स्टेट है और अदर स्टेट यहाँ क्लिक कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश स्टेट में यहाँ अप्लाई क्लिक कर सकते हैं ना, आपका कैटेगरी अप्लाइड कैटेगरी यहाँ अनरिजर्व EWS OBC SC ST यहाँ आपका कैटेगरी में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश का अदर स्टेट है सो इसमें उत्तर प्रदेश अदर स्टेट पर क्लिक कर सकते हैं और आप यहाँ अनरिजर्व कैटेगरी में रिजर्व कर सकते हैं और इसमें आपका एड्रेस डिटेल यहाँ दे दूंगा और इसमें आपका स्टेट क्लिक सेलेक्ट कर सकूंगा और इसमें आपका डिस्ट्रिक्ट और इसमें आपका पिन कोड यहाँ आपका पर्मानेंट एड्रेस सेम है ना, यहाँ यस का क्लिक कर सकते हैं या नो नहीं है ना, आप यहाँ नो का बटन में क्लिक कर सकते हैं। नो है ना, आप यहाँ दोबारा बार परमानेंट एड्रेस यहाँ टाइप कर सकते हैं और दोबारा बार आपका स्टेट का नाम और आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम और आपका पिन कोड यहाँ टाइप कर सकते हैं। आप चेक करने हैं यहाँ फुल डिटेल्स करेक्ट हो गया, देन आप सेव और नेक्स्ट बटन में क्लिक कर सकते हैं। द डेटा विल बी सेव्ड कॉल लिंक बॉक्स पर आप ओके पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल यहाँ दे दिया और इसमें आपका क्वालिफिकेशन का
नंबर टाइप कर सकते थे और यहाँ आपका पासिंग डेट, टेंथ पासिंग डेट टाइप कर सकते हैं और यहाँ आपका परसेंटेज टाइप कर सकते हैं और यहाँ आपका ट्वेल्थ मार्क में ट्वेल्थ टाइप कर सकते हैं और यहाँ आपका ट्वेल्थ ईयर ऑफ पासिंग ईयर टाइप कर सकते हैं और ट्वेल्थ के परसेंटेज यहाँ टाइप कर सकते हैं और इसमें आपका ग्रेजुएशन डिटेल्स विल बी अपलोड कर सकते हैं। आप ग्रेजुएशन डिग्री इन कॉमर्स में सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ आपका ग्रेजुएशन डिग्री कब कंप्लीट होगा यहाँ चूज कर सकते हैं और यहाँ क्लिक कर दे आपका ईयर ऑफ पासिंग और इसमें आपका इंस्टीट्यूशन और कॉलेज का नाम यहाँ टाइप कर सकते हैं और आप यहाँ आपका ग्रेजुएशन डिग्री का परसेंटेज यहाँ टाइप कर सकते हैं और सेव एंड नेक्स्ट के बटन में क्लिक कर सकते हैं। यहाँ आपका डेटा विल बी सेव्ड सक्सेसफुली का लिंक बॉक्स ओपन करता है। ओके बटन में आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ आपका फोटो अपलोड करता चाहता है। आपका फोटो 100 KB का है और यहाँ आप ब्राउज कर सकते हैं। आप पहले यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें आप अपलोड कर सकते हैं और पहले बार आप यहाँ साइन का ओपन कर सकते हैं और यहाँ अपलोड कर सकते हैं और यहाँ आपका फी एग्जाम फी ऑटोमेटिकली ले सकते हैं और यहाँ डिक्लेरेशन में क्लिक कर सकते हैं और यहाँ आपका कैप्चा करेक्टली टाइप कर सकते हैं। इसमें आप कैप्स में है कैप्स का बटन क्लिक कर दिया और यहाँ करेक्टली टाइप कर दिया और यहाँ आई एग्री बटन में डिक्लेयर करना चाहता हूँ। पहले बार आप सबमिट के बाद प्रीव्यू बटन में आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ आपका डिटेल सही है या नहीं यहाँ आप चेक करना चाहता है और इसके बाद प्रीव्यू बटन में आप क्लोज कर सकते हैं और इसमें सबमिट बटन में आप क्लिक कर सकते हैं। आप यहाँ आपका पेमेंट प्रोसेस यहाँ चल सकता है। आप SBI बैंक में नेट बैंकिंग और अदर बैंक्स में पे करना चाहता है यहाँ अदर बैंक का डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग यहाँ क्लिक करना चाहता है। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका यूजफुल है। आप